जय हिंद साथियों, आशा है साथियों आप सभी अच्छे से दिवाली मना रहे होंगे। साथियों, क्या दिवाली क्या दशहरा मनाए हम लोग। हम लोगों का दशहरा दिवाली छठ सब तो छीन लिया गया है और झूठ मूठ के हम सभी फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। साथियों, अगर रियल में दिवाली मनाना है तो हम सभी को अपना हक लेना पड़ेगा, क्योंकि साथियों ये बहुत तनाशाह सरकार है। आज जिस तरह हमारा हक छीना गया है, कल हमारा भोजन भी छीना जाएगा, हमें हर तरह से मतलब परेशान किया जाएगा, हमारे आने वाले भविष्य को भी परेशान करेगा। साथियों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दिवाली ख़त्म होने के बाद में आप सभी एकजुट हो जाओ और अपने हक के लिए लड़ो। अबे यार, याद करो साला, कोई तुम्हारा पड़ोसी 1 इंच ज़मीन तुमसे मतलब तुमसे हड़प लेता है तो उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हो। अगर 1 इंच ज़मीन भी तुम्हारा परदार कोई अगर ले ले, उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हो। ये तो साला तुम्हारी ज़िंदगी है और इसे छीन लिया गया है। अगर इसके लिए तुम नहीं लड़ोगे तो किस चीज़ के लिए लड़ोगे। लड़ना पड़ेगा, अगर नहीं लड़ोगे तो पूरी ज़िंदगी अफसोस होगी तुम लोगों को। जिस तरह मैं, मेरे साथ 2-3 बंदे हैं, लगातार 20 दिन है, आज 20वां दिन है, लगातार हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। अगर इसमें हजारों की संख्या हमारी हो जाए तो कोई भी सरकार हमारी बात मानने को तैयार हो जाएगी। आप सभी ध्यान दें और दीपावली ख़त्म होने के बाद आप सभी इस यात्रा में जुड़े, तभी जाकर हमारी यात्रा सफल होगी, नहीं तो ज़िंदगी भर पछतावा होगी। साथियों, कोई दीपावली कोई दशहरा में मज़ा नहीं आएगा। ये सब तो हमेशा हर साल बार बार आएंगे, लेकिन जो तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हुआ है, जो तुम जिस वर्दी के लायक थे, जो वर्दी तुमसे छीना गया है, दोबारा ज़िंदगी में मिलेगा अगर छोड़ दोगे तो। अरे लड़ना पड़ेगा भाइयों, लड़ो। जब तक नहीं लड़ोगे तब तक नहीं हासिल होगा। बाकी आप सबकी मर्जी, मैं तो आज 20वां दिन है, लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। अगर आप लोग एकजुट नहीं होगे तो कभी सफल नहीं होगा। आप लोग खुद सोच लो, अगर साथ देना है तो आओ मैदान में, अगर नहीं साथ देना है तो एकदम बोल दो कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।